जय माता जी के साथियों, मैं भंवर सिंह रेटा। आवाज़ थोड़ी गड़बड़ आ रही होगी, काफ़ी दिन भर की उपाहार के बाद में ये पता चल रहा है कि जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजसमंद में, परसों के दिन की इन्होंने कैंसिल करवा दी थी, अपना दबाव डाल के अपने जो सोर्सेज थे उनका दुरुपयोग करके। आप लोग आ जाएं एक बार लाइव। अभी मैं जंगल में आपको बाइक की आवाज़ पे लाई, ये लाइट थोड़ी गड़बड़ होगी, जय माता जी की सोन सा। रोशनी की थोड़ी समस्या है, बाइक की रोशनी है। हेमंत सिंह साहब, जय माता जी की। आप सभी को नोटिफिकेशन भेज दीजिए। ताकि जल्दी से जल्दी मैं जुड़ सकूं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रुकूंगा मैं यहाँ पे। इसके बाद में दिलीप बना, जय जय माता जी की। जय जय जय। साथियों, आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार पर उतर गई है। चुनाव साहब, जय माता जी की। हमने किया क्या है? कोई मर्डर किए हैं? कोई बम फोड़े हैं? कोई राष्ट्रद्रोह किया है? कुरेटा साहब, जय माता जी की। कोई गलत काम किया है क्या हमने? हमने विद्रोह किया है इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ, इस अत्याचारी शासन के खिलाफ। मेरे 20,000 से ज्यादा भाइयों का भविष्य खतरे में है। आरक्षण आंदोलन करेंगे और उस आरक्षण में 20 लोगों को, 50 लोगों को कैश डाल के अंदर कर देंगे। और हम लोग सिर्फ इसी बात में उलझ के रह जाएंगे कि हमारे भाइयों का केस हटाओ सिर्फ, और सरकार केस हटा के हमें तालियां बजवा लेगी हमारे कुछ बिके हुए भाजपा के गुलामों से। पद्मावती आंदोलन करेंगे हमारे स्वाभिमान के लिए, और उस आंदोलन में केस लगा देगी, और फिर हमारे को अंदर करके, और फिर केस हटा के फिर तालियां बजवा लेगी। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है? एट्रोसिटी एक्ट ला के हमारे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या गुनाह कर? काले झंडे दिखाना गुनाह है? लोकतंत्र में विरोध करना गुनाह है? और अगर ये मैंने अपने समाज की आवाज उठाना अगर गुनाह, ऐसा गुनाह हजार बार करूंगा, लाख बार करूंगा, जब तक प्राण रहेंगे जब तक ये गुनाह करूंगा। देखता हूं इनमें कितना दम है, कब तक गिरफ्तार करेंगे। भंवर सिंह रेटा है जिसका ये आसमान, जिसकी चादर और ये माँ धरती, ये माँ धरती है ना, जिसका बिछोना है। देखता हूं कितने रोकते हैं ये लोग। देखता हूं मैं इस स्वाभिमान की, मेवाड़ की धरती पे खड़ा हूं मैं, करके दिखाएं गिरफ्तारी है। जाके उन बच्चों को परेशान कर रहे हैं, मेरे घर पे जा रहे हैं। अरे मेरे बूढ़े माता पिता से क्या ले लोगे तुम लोग? कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं। पूरा जीवन साफ और स्वच्छ है, न चरित्र का गंदा हूं, न कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। किसके आधार पर दबाएगी ये मैडम मुझे? किसके आधार पर दबाएगी? दबने वाला हूं तुम्हारे 7 जन्मों से नहीं दबूंगा। ये क्षात्र वंशज हूं मैं, क्षात्र वंशज। कोई गुलामी नहीं की और न करूंगा गुलामी। कमल का फूल हमारी फूल जिंदाबाद रहेगा। 5 मांगे दोहराता हूं, कल भी दोहराई थी। अगर 5 मांगे नहीं मानी तो आप ये बात याद रखना साथियों, आने वाले 3 माह बाद में ये सरकार रहेगी नहीं। अत्याचारी जो अभी तलवे चाट रहे हैं ना मैडम के, और ये भाजपा के गुलाम बन के मेरे खिलाफ ये अभियान चला रहे हैं। देखता हूं मैं इनको कितनी ताकत है इनमें, देखता हूं मैं। और कई लोग जो कह रहे थे स्वाभिमान जिंदा है, समाज जिंदा है, छोटा कर देंगे बढ़ा रहेंगे, आज कहां से ले गए वो लोग? क्यों गौरव यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं वो लोग? हो गया समझौता तुम्हारे बंद कमरों में, या टिकटों की सेटिंग हो गई तुम्हारी? क्यों बच्चों को गुमराह करते हो? क्यों केस लगवाते हो उनको जोशीले भाषण देकर? आज आओ ना सड़कों पे, गौरव यात्रा निकल रही है 40। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ के महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो? उस आम राजपूत को बुला के उनपे केस लगवाने के लिए, उनका भविष्य खराब करने के लिए? जय राजपूताना संघ का नाम स्वाभिमान का दूसरा संघ है। 500 सालों से कोई संगठन चला रहा है, कोई 200 सालों से चला रहा है,
कहाँ गए सामाजिक संगठन? इससे अच्छा तुम लोग बीजेपी की सदस्यता ले लो बीजेपी की सदस्यता, या कांग्रेस की ले लो, या आप पार्टी की ले लो, ताकि तुम लोग नहीं, बिहार बिहार वाले भाइयों आपको आने की जरूरत नहीं है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगा आपको। 9 साल में मैंने वो चीज कमाई है, अगर एक दिन भी एक सत्र के घर पे रुकूंगा तो 100 साल तक गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है इस सरकार की। और मालूम करके दिखाए, क्या समझ रखा है गवर्नमेंट ने बेवकूफ? और अगर गिरफ्तार भी कर लेती है क्या कर लेगी मेरे पे, कौन सा ऐसा मैंने गुनाह किया है? आवाज उठाना गलत है, 1000 बार उठाऊंगा, 1000 बार। इनके बाप से नहीं दबने वाला, इनके अकाउंट से नहीं दबने वाला। सुबह से भाग रहा हूं और आगे अभी भी भागूंगा, लगातार मीटिंगें मेरी जारी है, लगातार मीटिंगें इनके खिलाफ। और मत उपचुनाव में, मैं कह रहा हूं उपचुनाव में भी हमने 5+1 की रणनीति बनाई थी, और ये भाजपा के गुलामों ने अपनी जग मरवाई थी, उन्हीं के बूथों पे हमने रहा है। ये कितनी गौरव यात्रा नहीं, ये जन धोखा यात्रा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप लोग जहां भी बैठे हो, जहां भी हो, अपने अपने आकाओं को, अपने अपने भाइयों को, सबको साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलो, पहली मांग है, जितने भी अब तक केस लगे हैं, चाहे वो माँ पद्मावती के हो, चाहे वो आरक्षण पे किसी भी संगठन ने आंदोलन किया हो, उस आंदोलन के द्वारा लगे हुए हो, या फिर अनंतपाल प्रकरण पे लगे हुए हो केस हो, कोई से भी केस हो, वो सभी केस विड्रॉल किए जाने चाहिए, किसी भी कंडीशन में विड्रॉल किए जाने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आरक्षण बिना शर्त, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करता हूं, और उस आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान संशोधन लेके आए, और अगर जब तक संविधान संशोधन नहीं हो, जब तक 1000 के करोड़ के बजट के साथ महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाए, इन्होंने महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन करेंगे जब तक, और उस स्वर्ण बोर्ड में सिर्फ स्वर्ण क्षत्रियों को लिया जाए। किरण माहेश्वरी जिसने चूहा बताया, वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राजपूत सभा जयपुर जो हमारे लिए मंदिर है, हम सब संगठनों के लिए, हम प्रत्येक क्षत्रिय के लिए, उस पे लगे हुए 3.5 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स लाइबिलिटी को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, और जो एट्रोसिटी एक्ट लाके और स्वर्णों को जो बेवकूफ बनाने का काम और उनको अंदर डालने का काम जो ये मोदी सरकार और ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये सीधी मांगे हैं। अगर मोदी माना जाता है तो घर निकलेंगे, और तुम लोग कितनों को गिरफ्तार करोगे देखता हूं मैं तुम्हारे को। करते ना तुम गिरफ्तार, अभी आधे घंटे पहले तुम्हारे सामने से निकला था मैं, एसपी साहब वहीं खड़े थे ना आप। भंवर सिंह रेटा कहते हैं मुझे, जग नहीं मरवाई, अनपढ़ गंवार नहीं हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तुम्हारे से ज्यादा करना जानता हूं, क्षत्रिय हैं हम, कूटनीति भी समझते हैं और जूत नीति भी समझते हैं, डरने वाला हूं नहीं तुम्हारे से किसी भी कंडीशन में, चाहे तुम कुछ भी कर लो और कितनों को भी गिरफ्तार कर लो। कल भी बोला था जय राजपूताना संघ मेवाड़ टीम में जो भी प्रमुख है, वो उन सब के किसी के भी सर नहीं हूं मैं, और नहीं रहूंगा। तुम लोग उनको परेशान करना बंद कर दो। आज भी तुमने 4 भाइयों को पकड़ के 4 घंटे तक रखा, मैंने दिन में जो मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की उन मोटरसाइकिलों वाले भाइयों को तुमने पकड़ के रखा, क्या उखाड़ लिया तुमने? कुछ नहीं पकड़ सकते तुम लोग, हम अपनी पे उतरते हैं ना, ये जान देने के लिए तैयार हूं मैं। एक परिवार खत्म हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में साफ लिखा है, एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य का बलिदान दिया जा सकता है, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का बलिदान दिया जा सकता है, और एक कौम को बचाने के लिए एक पूरे क्षत्रियों के गांव का, एक पूरे गांव का बलिदान दिया जा सकता है। और सबसे पहले मैं तैयार हूं, चाहे जैसा बलिदान लेने के लिए तैयार हो, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे, नहीं चाटूंगा तुम्हारे तलवे, नहीं चाहिए तुम्हारे टिकट, ठोकर मारता हूं तुम्हारे को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, नहीं चाहिए ना, नहीं बनूंगा एमएलए, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्षत्रिय जन्माऊ क्षत्रिय मरूंगा, इससे बड़ी पहचान हो नहीं सकती मेरी। जिनको टिकट चाहिए ना उनको दो तुम लोग, वो होंगे तुम्हारे गुलाम, हर क्षत्रिय बिकाऊ नहीं है। मेरा संघर्ष आम राजपूत के लिए, उस गरीब भाई के लिए है जो गांव ढाणी में बैठा है, मेरा उन संघर्ष उन्हें फॉर्च्यूनर वालों से, उन महंगे गाड़ी वालों से नहीं है जो करोड़ों रुपए का चंदा खाते हैं, साफ और स्पष्ट कह रहा हूं मैं। और जय राजपूताना संघ के सभी वीरों को
और जो भी सनातन धर्म के स्वाभिमानी वीर हैं उन सबको कहना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे दो चार वीर है ना जो ये बकवास कर रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, उनको बोलो कि अपना ये जो मोबाइल है ना उसको छोड़कर दो दिन उतर के देखो मैदान में, पता चलेगा भूखे रहो दिन रह के देखो दिन भर कैसे रहा जाता भूखा, पता चलेगा तुम्हें। अरे डूब मरो तुम लोग शर्म से, कौन से केस हटा दिए इन्होंने, जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करे उनको साफ बताता हूं 115 बेटा दो जो FIR CBI को सौंपी गई है वो हमारे युवाओं को सायरन की आवाज आ रही है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इनके बाप से नहीं डरने वाला हूं। मेरी जब तक मर्सिडीज जिंदा है ना जब तक बहुत सारे भाइयों ने मुझे उपलब्ध करवा रखी है। 115 बेटा 17 जो CBI केस है उस केस में समस्त भाइयों को इन्होंने अभियुक्त बनाने की कोशिश की है, पूरी संघर्ष समिति को और सबको। कमल का फूल हमारी भूल जिंदाबाद रहेगा बना, कोई डर वाली बात नहीं है और कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। आप सभी से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप किसी भी अफवाह में नहीं आए, अगर बाई चांस मैं गिरफ्तार भी हो जाता हूँ, क्योंकि ये गिरफ्तारी नहीं दिखाएंगे क्योंकि लीगल तरीके से मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो गिरफ्तारी दिखाएं, लेकिन ये लोग क्या करेंगे उठा के ले जाएंगे कुछ और करेंगे, करने दो इनको, क्या करेंगे हाथ पैर तोड़ेंगे तोड़ देने दो, नहीं आ जाएंगे नहीं आएंगे तो खत्म हो जाएगा भंवर सिंह रेटा, और क्या होगा। अगर मेरे रक्त की बूंद बहने से अगर आप लोग जिंदा होते हो तो मैं आज अपना रक्त देने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथियों ये मौका बार बार नहीं आएगा आप लोगों के लिए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप जिस भी संगठन से जुड़े हुए हो जिस भी नेता को आप मानते हो अपने नेताओं को बोलो कि निकलो सड़कों पे, अभी नहीं तो कभी नहीं, जिंदा रहोगे तो स्वाभिमान बचेगा, आने वाली पीढ़ियों को नहीं तो क्या मुंह दिखाओगे कि हम टिकटों के लिए लड़ रहे थे, हम MLA बनने के लिए लड़ रहे थे। शर्म से डूब मरो और चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतना ही कहूंगा। जय माता दी, जय सनातन धर्म, माँ भवानी का आशीर्वाद गोपाल बना हमेशा साथ था और रहेगा। आज कई भाइयों ने मेरी मदद की है, विजय सिंह जी, गोपाल सिंह जी और कई मेवाड़ के वीर, आज मुझे एहसास हुआ दिन भर, कल से जब घूम रहा हूँ आज दिन भर से घूम रहा हूँ तो हाँ मैंने क्या कमाया है, इस मेवाड़ की धरती में कितना स्वाभिमान बाकी है, किस तरह से चुपचाप जाके जब मैं गेट बजाता हूँ और परिचय देता हूँ तो लोग किस सम्मान के साथ मुझे बुलाते हैं और किस चुपचाप किस तरह से मीटिंग करवाते हैं, आज मैंने महसूस की ये चीज़। और मैं अपने इस 9 साल के कार्यकाल को, अरे बाहर में गई कांग्रेस है बाहर में गया बीजेपी, राम सिंह जी राजपूत बन जाओ, मेरी आईडी से ये कुछ नहीं हो रहा है, लोकेशन लगाने दो इनको, बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आप चिंता मत करो टेक्नोलॉजी इनसे बाप इनसे ज्यादा जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम है। कमल का फूल हमारी भूल जिंदाबाद रहेगा, था और रहेगा। आप लोगों से इतना ही निवेदन है मेरा कि आप लोग किसी भी कंडीशन में किसी भी दबाव में नहीं आए और हमेशा साथ रहे और संगठित रहे और इस सरकार की बैंड बजाओ, जहां भी दिखे काले झंडे दिखाओ, जब तक हमारी पांचों मांगे नहीं आती है किसी के दबाव में नहीं आना। अगर कोई नेता कहता है बीजेपी को वोट देंगे उनको सीधे सीधे बोलो ना बीजेपी है ना कांग्रेस, समाज हमारा साथ में है, स्वाभिमान हमारा जिंदा है, क्योंकि अभी आप लोग समझोगे तो आने वाले भविष्य में आप अपने पीढ़ियों को कोई जवाब नहीं दोगे। साथियों हो सकता है इसके बाद में वारिया साहब धन्यवाद, श्रवण साहब धन्यवाद, इसके बाद में हो सकता है मैं लाइव आ पाऊं नहीं आ पाऊं, लेकिन आप लोग इस संदेश को अंतिम माने और अधिक से अधिक आवाज पहुंचा दो प्रत्येक राजपूत पास, और कल की जो यात्रा होने वाली है उसमें दिखा दो अपनी ताकत, फहरा दो झंडा। धन्यवाद साथियों, कुछ संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, हम जिद के लिए नहीं जीते, हम स्वाभिमान के लिए जीते हैं, हम जीते हैं और स्वाभिमान के लिए जीते हैं। कमल का फूल हमारी फूल जिंदाबाद रहेगा, बसरते ये हमारी बात नहीं है। अरे रामपाल सिंह जी कांग्रेस बीजेपी की बात बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ समाज की बात करो, कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे बात करो समाज की, स्वाभिमान की। जय सनातन, आप सभी को जय सनातन, जय परमवीर।